हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हिंदी टॉक इंडिया वसीम के साथ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि हमारा सूरज और छोटे बड़े पिंड को मिलाकर सौरमंडल बना है, जिसमें सूरज को सौरमंडल का मुखिया माना जाता है और बाकी बचे सारे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस तरह हमने देखा था कि सौरमंडल में चार स्थलीय ग्रह हैं जो विशेष रूप से पत्थर तथा धातु के बने हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। इसके बाद छोटे पिंडों का एक घेरा है जिन्हें एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। ये सब हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से जाना है। अब इस एपिसोड में हम जानेंगे चार गैसीय ग्रहों और इनके बाद मौजूद काइपर बेल्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जुपिटर यानी बृहस्पति से, जो सूर्य से पांचवा और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सौरमंडल में मौजूद अन्य सात ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चार ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। जुपिटर को चक्कर लगाने वाले 53 चंद्रमा ऐसे हैं जिनका नाम दिया गया है। बाकी 16 चंद्रमा ऐसे हैं जिनकी डिस्कवर तो हुई है बट अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया। बृहस्पति पर सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेटरी वायुमंडल है, जो ऊंचाई में 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बृहस्पति हमेशा अमोनिया क्रिस्टल के बादलों से ढका रहता है। इस पर जो विशाल लाल और भूरे कलर का धब्बा बना हुआ है, वास्तव में ये बृहस्पति के वायुमंडल में एक प्रति चक्रवाती तूफान है। इस गैसीय ग्रह के अशांत वातावरण में इस तरह के तूफान होना आम बात है। यहाँ एक दिन 9 घंटे 55 मिनट और 30 सेकेंड्स का होता है और पृथ्वी के हिसाब से 12 साल का यहाँ एक साल होता है। इसके बाद सैटर्न यानी शनि सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। यह सूरज से 6ठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के पास 62 चंद्रमा हैं जो शनि का चक्कर लगाते हैं। इनमें टाइटन नाम का चंद्रमा सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। यहाँ पानी, मीथेन, अमोनिया और पत्थर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हमारे सौरमंडल में इन चार ग्रहों को गैस दानों कहा जाता है। शनि का बाहरी वायुमंडल आणविक हाइड्रोजन और हीलियम शामिल करता है। इसके अलावा अंश मात्रा की अमोनिया, एसिटिलीन, प्रोपेन, फोस्फाइन और मीथेन शनि के वायुमंडल में खोजी गई है। शनि के वायुमंडल बृहस्पति के समान एक धारीदार स्वरूप दर्शाती है, परंतु शनि की धारियां बेहद हल्की हैं। शनि के वायुमंडल स्तर से 1,20,000 किलोमीटर तक धूल तथा छोटे कणों के छल्ले हैं जो मात्र 20 मीटर की मोटाई में हैं। शनि अपने अक्ष पर 11 घंटे और 7 मिनट में एक चक्कर घूम लेता है, जबकि सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का 30 साल लगाता है। मतलब यहाँ का एक साल पृथ्वी के 30 सालों के बराबर है। शनि के बाद सौरमंडल का 7वां ग्रह अरुण या यूरेनस है। व्यास के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस और नेपच्यून का वातावरण और बनावट लगभग एक समान है। इन दोनों के वातावरण में जुपिटर और सैटर्न के कंपैरिजन में बर्फ अधिक है। पानी के बर्फ के अतिरिक्त इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैसों की बर्फ भी है। सौरमंडल के सारे ग्रहों में यूरेनस का वातावरण सबसे ठंडा है, जिसका न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है। इस ग्रह में बादल के कई तहें देखी गई हैं, जिसमें मानना है कि सबसे नीचे पानी के बादल और सबसे ऊपर मीथेन गैस के बादल हैं। सूर्य से इसकी एवरेज दूरी 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता ही होगा, जो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, जो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। यूरेनस अपने 27 चंद्रमा के साथ सूर्य का चक्कर लगाता है। यहाँ एक दिन 17 घंटे और 14 मिनट का होता है और एक साल पृथ्वी के 85 सालों के बराबर होता है। यूरेनस के आगे मौजूद है सौर व्यवस्था का सबसे आखिरी और सूर्य से 8वां प्लेनेट वरुण या नेपच्यून। यह व्यास के आधार पर चौथा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका बनावट और वायुमंडल यूरेनस से काफ़ी मिलता जुलता है। नेपच्यून 14 चंद्रमा के साथ सूर्य का चक्कर लगाता है। यहाँ एक दिन 16 घंटे और 11 मिनट का होता है और पृथ्वी के 165 सालों का यहाँ एक साल होता है। यह सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। नेपच्यून के बाद एक घेरा है जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है, जो नेपच्यून प्लेनेट के कक्षा से 25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह इसमें भी हजारों लाखों छोटी बड़ी खगोलीय वस्तुएं हैं, लेकिन काइपर बेल्ट का क्षेत्र एस्ट्रॉइड बेल्ट की क्षेत्र से 20 गुना चौड़ा और 200 गुना ज़्यादा फैला हुआ है। एस्ट्रॉइड बेल्ट की वस्तुएं पत्थर और धातु की बनी हैं, जबकि काइपर बेल्ट की वस्तुएं सर्दी की सख्ती से जमे हुए पानी, मीथेन और अमोनिया की मिलीजुली बर्फों की बनी है। हमारे प्लूटो, हाउमिया और माके तीनों पौने ग्रह काइपर बेल्ट के ही निवासी हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि सौरमंडल के कुछ प्राकृतिक उपग्रह भी इसी घेरे में जन्मे और घूमते फिरते अपने ग्रहों के निकट पहुंचकर उनके गुरुत्वाकर्षण में फंसकर उनकी परिक्रमा करने लगे। जैसे नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन है और सैटर्न का चंद्रमा फीबी है। दोस्तों, यहाँ हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म होता है। जानकारी के लिए आपको एक दो बातें और बता दें। 8 ग्रहों में से 6 ग्रहों और 3 पौने ग्रहों की परिक्रमा प्राकृतिक उपग्रह करते हैं, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वी के चंद्रमा के नाम के आधार पर चंद्रमा ही पुकारा जाता है। और प्रत्येक बाहरी ग्रहों को धूल और अन्य कणों से निर्मित छल्लों द्वारा परिवृत किया जाता है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन के साथ घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो हम फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।